नमस्कार दोस्तों, पूजा डिजाइन एंड स्टिचिंग में आपका स्वागत है। ये देखिए ब्लाउज की कटिंग हम यहाँ पर कर रहे हैं। ये देखिए 7 इंच मैंने यहाँ पर शोल्डर रखे हैं। लंबाई हमारी 13 इंच तैयार रहेगी, तो 14 इंच मैंने ली है इसकी। और ये देखिए आर्म होल 6.5 इंच मैं यहाँ रखूँगी। 6 इंच है तो 1/2 इंच यहाँ पर शोल्डर डाउन में चला जाएगा, इसलिए 6.5 इंच मैंने रखी है। बोट नेक ब्लाउज बना रहे हैं हम ये, इसलिए फुल शोल्डर हमने यहाँ पर रखे हैं। 1.5 इंच का इस तरीके से गोलाई हम आर्म होल में लगा देंगे। बैक नेक डिजाइन में आपको ये बता रही हूँ इस वीडियो में। 4 इंच ये देखिए मैंने चौड़ाई रखी है। 4-4 इंच पर इस तरीके से दो जगह निशान लगा देंगे और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। 4 इंच की लंबाई रखेंगे और ये 4x4 का एक बॉक्स यहाँ पर बना लेंगे और उस पर इस तरीके से बोट नेक की सेफ हम यहाँ पर लगा देंगे। और ये देखिए 2 इंच का मैंने यहाँ पर निशान लगाया है, तो 2 इंच का मैं गैप रखूंगी। और 2 इंच पर निशान लगाने के बाद यहाँ पर 4 इंच का निशान लगाया है। और नीचे से ये देखिए मैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसकी जो चौड़ाई है वो नीचे वाले डिजाइन के ले सकते हैं। मैंने 5 इंच यहाँ पर लिए और इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे यहाँ पर भी। और ये देखिए इस पर कुछ इस तरीके से सेफ को ड्रॉ कर देंगे। इस पैटर्न पे हमारा ये बोट नेक डिजाइन बनेगा। अब मैं यहाँ पर फ्यूजिंग पेपर ले लूँगी, तो ऊपर वाला जो गला है हमारा 4x4 का, वो तो हम डायरेक्ट कपड़े पर बनाएंगे। और ये देखिए जो नीचे वाले डिजाइन है उसको फ्यूजिंग पेपर पर इस तरीके से पहले ड्रॉ कर लेंगे अच्छे से। और ये मार्जिन रख लेंगे यहाँ पर और इसी पर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है बाद में। तो ये देखिए अब कमर और हम चेस्ट का यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। ये नीचे से थोड़ा छोटा बड़ा है तो मैं इसको पहले कट कर लेती हूँ। अब हमने यहाँ पर चेस्ट, ये देखिए चौथा भाग है मेरा 9 इंच, तो मैं 9 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लूँ और 1.5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन का। 7.5 इंच कमर है और ये देखिए 1 इंच डाट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। 30 इंच हमारी इसमें कमर रहेगी और इस तरीके से हल्का सा तिरछा निशान लगाते हुए कटिंग कर लेंगे। ये देखिए ये, और ये शोल्डर 1/2 इंच हम यहाँ पर डाउन कर देंगे। बोट नेक में इस तरीके से जो स्लोप होता है हमारा शोल्डर का वो हमें यहाँ पर देना होता है, इसलिए ये दिया है कॉलर नेक में। और बोट नेक में हम इस तरीके से ही लगाते हैं। और ये देखिए ये नेक जो डिजाइन बनाई थी उसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। ये कट कर लिया है हमने। अब हम इसको लाइनिंग के, ये मैंने कपड़ा लिया है लाइनिंग का, तो इस पर रखकर और इसको अच्छे से प्रेस से चिपका लेंगे। ये देखिए ये मैन फैब्रिक की कटिंग मैंने यहाँ पर कर ली है। अब इसके ऊपर लाइनिंग को अच्छे से सेट करते हुए पहले एक बार हम चारों तरफ सिलाई करते हुए लाइनिंग पूरे पर जो मैन फैब्रिक पर उस पर अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए लाइनिंग हमने यहाँ पर अटैच कर ली है। अब हमें क्या करना है, ब्लाउज को अच्छे से जो बैक पार्ट है उसको बीच में से फोल्ड करना है, बिल्कुल बराबर चारों तरफ करते हुए, कहीं से भी कोई छोटा बड़ा ना रहे। और बीच में हम एक चौक से लाइन, सेंटर लाइन यहाँ पर बना लेंगे। क्योंकि जो हमने डिजाइन बनाई है उसको सेंटर लाइन से ही हमें अटैच करना है, अदरवाइज वो इधर उधर हो जाती है, तो सेंटर लाइन आप ज़रूर बना लें। ये देखिए, और ये हमने जो नेक बनाया है इसको, ये देखिए चारों तरफ से हम इस तरीके से सिल लेंगे एक बार।
बस हल्का हल्का शेप में इसको मोड़ते जाएंगे जितना हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। आप पेस्टिंग पेपर को ना मोड़े इस बात का ध्यान रखें। तो ये देखिए पूरा हमारा यहाँ पर ये तैयार हो गया। एक्स्ट्रा जो साइड में जहाँ ज़्यादा कपड़ा आपको लगता है तो आप काट के बिल्कुल बराबर कर लें। और ये देखिए अब मैं इसको भी बीच बीच में से बिल्कुल बराबर से फोल्ड कर लूँगी। और इसकी भी हमें सेंटर लाइन बना लेनी है। ये देखिए हम पीछे से हमें जो लाइनिंग की तरफ से ध्यान रखना है कि कितना हमारा नीचे की पट्टी छुपी हुई है। तो मेरी यहाँ पर 3 इंच में 2 पॉइंट कम है तो मैं वहीं पर इस पर निशान लगा लूँगी और उसके ऊपर हमें इसको अटैच करना है। तो ये देखिए अंदर की साइड जो पेस्टिंग अंदर से जहाँ कट हुआ है वहाँ से हमें इसको नापना है और चारों तरफ इस तरीके से पिन लगा देंगे ताकि ये बिल्कुल एक जगह अच्छे से रहे। और अब हम इस पर सिलाई लगा देंगे। किनारे पर सिलाई नहीं लगाना है, किनारे की जड़ों पर हमें सिलाई लगाते हुए पूरे पर इसमें सिलाई लगा लेनी है। और इस तरीके से सिलाई लगाते वक्त आप हमेशा जो सिलाई की जो लेंथ है टांका है जो आप उसको बिल्कुल कम रखें, बड़ा जो टांका होता है हमारा वो ना रखें। कम रखते हैं तो इसमें फिनिशिंग आती है और ये जब इसके किनारे को हम पलटते हैं तो बहुत अच्छे से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये पलटा जाता है। बड़ी सिलाई में ढीली सिलाई हो जाती है तो उससे क्या फिनिशिंग ख़राब होती है। अब इसको इस तरीके से थोड़ा सा कट लगाएंगे और चारों तरफ कट करके करते हुए ये देखिए इस तरीके से कट कर लेंगे। हल्का सा हमें यहाँ पर मार्जिन रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। और ये देखिए अब चारों तरफ छोटे छोटे कट लगा देंगे जो तीनों कॉर्नर में बिल्कुल अच्छे से कट लगाएं ताकि कॉर्नर बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारे बिल्कुल बाहर निकले, बिल्कुल कोई भी झोल ना रहे कहीं भी। अभी देखिए इसको अंदर की साइड टर्न कर लेंगे। अब बीच में हमें यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाना है। ये देखिए, और ये मैंने बो यहाँ पर बना लिए, मेरा कुछ पार्ट है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो इस तरीके से बो हम तैयार कर लेंगे। इसलिए मैं आपको ये डायरेक्ट दिखा दिया, कुछ मिस्टेक हो गई इस वजह से। और ये देखिए कितना देखिए अच्छे से हमारा यहाँ पर हम इसको हाथ की पेस्टिंग सुई से इस पेपर जो तरीके है। से अटैच कर लेंगे। अब इसमें चारों तरफ किनारे वाली सिलाई लगा लेंगे। टॉप स्टिच जिसको हम बोलते हैं वो बिल्कुल किनारे किनारे से ये लेना है देखिए, हमें, और ये मैंने इसी ज़्यादा कपड़े का दूर सेम नहीं। फैब्रिक बटन बनाया हुआ है, इसको हम यहाँ पर अटैच कर देंगे बिल्कुल सेंटर में। उससे इसका ये लुक इसमें और ना भी तो सुंदर आ बटन लगाऊंगी जाएगा। और ना ही कोई लेस वगैरह लगाऊंगी क्योंकि ये फैब्रिक खुद ही एक डिजाइनर फैब्रिक है, पूरा जरी से किया हुआ वर्क है। तो इस तरीके से आप बो रेडी कर सकते हैं। बो नहीं लगाना हाँ चाहे तो आप हाँ कोई फ्लावर भी बना के बिल्कुल यहाँ पर बहुत लगा सकते सुंदर हैं, लगता है, बस उससे ब्लाउज का बहुत ज़्यादा लुक अलग ही चेंज हो जाता है। ये देखिए सिंपल सोबर डिजाइन में ये बहुत सुंदर लगता है डिजाइन जब पहनते हैं तो। ये देखिए अब इसको हम यहाँ पर जिधर हुक वाली पट्टी है उसके ऊपर हम इसको अटैच कर लेंगे, और इसके नीचे हुक हमारे अटैच हो जाएंगे तो वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे। इस तरीके से ये देखिए किनारे वाली पूरा साइड मैंने से यहाँ पर अटैच कर लिया है। वीडियो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शानदार बिल्कुल सेफ आई है हमारे यहाँ पर। अब जो ऊपर का हमारा जो ये देखिए बोटलेस की जो शेप थी उसको क्या करना है इस तरीके से डार्क कर लें और पलट के दोनों साइड इसको अच्छे से नमस्कार दोस्तों, पूजा डिजाइन एंड स्टिचिंग में ये आपका इधर स्वागत है। ब्लाउज की बैक नेक इधर भी डिजाइन का वीडियो आज बिल्कुल आपके यहाँ साथ पर जो शेयर हमने करें। लेस से सिलाई मैंने लगा ये ली थी सिंपल उसको डिजाइन हाँ बनाई है, बट ये बहुत सुंदर लग रही है इस ब्लाउज पर। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए और वीडियो थोड़ा सा मार्जिन स्टार्ट रखेंगे करते हम। हैं। लाइनिंग फैब्रिक पर मैंने कटिंग कर ली है, मेजरमेंट आपको दिख रहा होगा, ये इसका मेजरमेंट है। टोटल लंबाई मैंने 15 रखी है, एक बढ़ाकर यहाँ पर ली है, और 5 इंच शोल्डर रखे हैं, 5.5 इंच और आरमोल इसको रखे हमें हैं, कटिंग करना है तो इस तरीके से सवा कटिंग दो कर इंच मैं लेंगे। यहाँ ये पर देखिए नेक की चौड़ाई रख रही कैसे हूँ, बन रहा है। और यहाँ और पर मैं पाइपिंग 10 इंच पाइपिंग इसकी लंबाई रखूँगी। पाइपिंग का भी मैं यहाँ पर इसमें नेक में कोई यूज़ नहीं कर रही क्योंकि तो अगर हम ऊपर पाइपिंग दस लगाएंगे इंच पर तो निशान लगाना है, सॉरी नीचे 11 पे लगा कितना दिया। गड्ढा लगेगा ये ये भी देखिए मैं इस पहले तरीके से 10 इंच पर निशान ढाई लगा इंच लें, का और ये ढाई इंच का 2.5 इंच का नीचे से चौड़ाई रखते हुए एक बॉक्स बना इसको लेंगे मैंने हम। फोल्ड करके सिल लिया। अब इसको बिल्कुल
बराबर बराबर हम काट लेंगे। पट्टी लगाते वक्त या पाइपिंग लगाते वक्त इस तरीके जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है आपको काट लेना होता है, तभी वो अच्छे से और इसी पर हमें डिजाइन को ड्रॉ करना है। और फिनिशिंग से ही हमारी पट्टी लगती है। छोटा बड़ा कपड़ा रहने पर दबाव में भी वो कम ज़्यादा आ जाता है। ये देखिए इस पैटर्न पर ज़्यादा हमारा कम ये इसलिए पट्टी को आज तक नहीं, ज़्यादा ब्लाउज रहेगा। बिल्कुल कम और डीप नेक है ये, 4 टक्स ब्राउन ब्लाउज है मेरा। सिंपल साड़ी जो डेली यूज की साड़ियाँ होती हैं में लगाने के बाद सिफोन की, बिल्कुल उस दबाव पर में का मैं लगाना ये ब्लाउज डिजाइन बना रही हूँ। अच्छे से पलटी जाए और ये देखिए मैंने फ्यूजिंग पेपर लिया है और क्योंकि इसको काफ़ी कट के सॉफ्ट है नीचे कपड़ा लगा लिया है यहाँ जो पर। हमारा मेन फैब्रिक है, तो उस पर हम लेस अटैच करेंगे तो कई बार वो झोल आ जाता है। अटैच इसलिए करने के बाद ये सिंपल जो ब्लाउज होते हैं बैठ जाते हैं, डेली यूज बन की जाते हैं साड़ियों के, या बिल्कुल जो सॉफ्ट होते हैं उन बिल्कुल। पर आप इस तरीके से फ्यूजिंग पेपर जरूर यूज करें। इस तरीके से देखिए इसको डबल फोल्ड करते हुए जैसे हमने नेक नेक जो ड्रॉ किया है उस पर सेम उसी तरीके से मार्क कर दें। ये देखिए ये देखिए ये मार्किंग हमने यहाँ पर कर ली ये है, ऊपर से और आते हैं थोड़े अंदर एक्स्ट्रा आते हैं, मार्जिन रखते हुए हम इस पर कटिंग कर बिल्कुल देंगे। एक पट्टी पिन मैं लगाते यहाँ पर वक्त लगा पट्टी देती अगर हूँ। टूटती है तो किस ये तरीके देखिए से पैटर्न पर आप पट्टी लगा सकते हैं। पट्टी भी बहुत अच्छी रहती है, वो इस ज़्यादा तरीके से ही टूटती नहीं नेक है। की कट हमने कटिंग यहाँ पर हमने कर ये ली देखिए है। दोनों साइड हमने यहाँ पर डार्ट लगा दी है, बैक साइड की जो इस नेक तरीके से डालते हैं ऊपर एक से एक इंच की लाइन वो मैंने छोड़ने यहाँ से, पर अगर आप लगा ली है। वो इसको अलग कर देते तो कई बार नेक हल्का सा चौड़ा हो जाता है, जब हमको पेस्ट करते हैं तो थोड़ा चौड़ाई बढ़ जाती है। अगर इस तरीके से आप करेंगे तो एग्जैक्ट जो आपने चौड़ाई ली है वही आपकी आएगी। इसको बाद में ये हम कट देखिए कर देते हैं। इस तरीके से बिल्कुल फिनिशिंग के और ये साथ नेक देखिए हमारा लाइनिंग का ये तैयार हो गया है। फैब्रिक है, इस पर मैं और ये इसको मैंने अच्छे एक से फैब्रिक चिपका लूंगी। लिया है, देखिए मैंने बीच चिपका में मैं लिया इस पर एक बो और बना के मैन फैब्रिक लगाऊंगी को जो रखते हमने हुए दो यहाँ इंच पर का पिन लगा लिए हैं। अब हम सेंटर में जो पार्ट ये छोड़ा था स्टिचिंग उस पेपर पर है हमारा, आप चाहें तो कोई इसकी फ्लावर भी किनारी लगा पर सकते सिलाई हैं या कोई लगाएंगे। गोटा यहाँ पर पत्ती हमें की किनारी बूटी पर वगैरह सिलाई लगानी है, मन किनारी चाहे के जो नीचे चीज़ हम नहीं यहाँ पर लगानी है। लगा सकते हैं या दो बटन भी लगा सकते हैं फैब्रिक पेस्टिंग पेपर को बनाकर, लेते ये हुए अपने ऊपर छोड़ना डिपेंड नहीं है करता है हमें, कि हम किस तरीके से क्योंकि पेस्टिंग पेपर हमें डिजाइन यहाँ को रखना है क्योंकि कपड़ा बहुत बनाकर ज़्यादा और सॉफ्ट अच्छे है। से और डेकोरेट कर पेस्टिंग सकते हैं। ये पेपर सिलाई देखिए में आ जाता चारों है तरफ तो मैंने वहाँ इसमें से सिलाई लगा ली किनारी है, हार्ड हो और ये जाती एक्स्ट्रा है और फैब्रिक जिस को कट शेप में करूंगी हमने कॉर्नर पर भी गला यहाँ पर बनाया है कट कर वो लेंगे। शेप बिल्कुल अच्छे और से मैं इस दिखती है। बो को 20 सेंटर से थोड़ा सा इसलिए इस कपड़ा तरीके कट जो करूंगी और ये सॉफ्ट ये कपड़े देखिए, होते हैं बिल्कुल और साड़ी फिर के, उसको उनमें इस वहां से तरीके पलट से लूंगी और जो हमें कट डिजाइन किया हुआ बनानी कपड़ा है चाहिए। हमारा वो अंदर की साइड चला जाएगा तो वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। बिल्कुल कम हमें काटना है, सिर्फ एक उंगली। ये देखिए उससे आसानी से हम इस कपड़े को बाहर की साइड निकाल सकें। ज़्यादा कट हमें नहीं लगाना है, पिन और ये हटाते देखिए जाएं बिल्कुल और बराबर बराबर से अच्छे सिलाई से नाखून लगाते से जाएं। प्रेस करके कॉर्नर बिल्कुल अच्छे से निकाल लें और इस तरीके से प्लेट डालते हुए बो बना लें। तो ये देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर हाथ की सुई से इसको तैयार कर लूँगी। सेंटर में मैंने एक ये यहाँ पर देखिए हमने सिलाई बटन भी यहाँ पर लगाया। लगा ये ली है, देखिए ये गोल्डन कलर का बटन है क्योंकि ये जो गोल्डन की जरी है पूरे ब्लाउज के कपड़े पर। अब नेक की बीच में से यहाँ पर और कटिंग कर इस तरीके लेंगे से सेंटर लेंगे और सेंटर पर इसको बिल्कुल बीच में अटैच कर लेंगे। बहुत पीछे से, अच्छे शानदार से ही देख हमारी लें नेक फैब्रिक डिजाइन को, यहाँ कहीं पर कोई बनी है। चुनौट वगैरह तो नहीं आ गई है, इसलिए बिल्कुल अच्छे से हमारा नेक लग अच्छे गया से है। टक ये कर लें देखिए चारों तरफ से अब बिल्कुल मैं यहाँ पर पक्का। कटिंग कर दूंगी इसकी। और ये देखिए अगर आपको कंप्लीट हो गई है हमारी ये डिजाइन, अगर आपको ये मेरी डिजाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज ये वीडियो को देखिए लाइक नेक की शेयर कटिंग हो जरूर गई है, और अब करें। छोटे और छोटे अगर से कट आप मेरे लगा लेंगे चैनल हम। पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना कट भूलें। लगाते वक्त ध्यान और रखें कि इसी तरह आपका की लेटेस्ट सिलाई वीडियो की जगह देखने ना के कट लिए जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम थैंक यू इसको फॉर पलट वॉचिंग। लेंगे, अच्छे से पलट के सेट कर लें, कपड़ा कहीं से घुमा हुआ नहीं हो, बिल्कुल अच्छे से किनारियां बाहर की साइड आ जाएं।